हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो थर्ड एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस एक्सरसाइज में आपको सिंपली ये सीखने हैं कि किन किन मेथड से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में जो आपको मैथड सीखने हैं, पहला मैथड है मैथड ऑफ एलिमिनेशन by equating the coefficient। दूसरा जो method आपको सीखना है, method of elimination by using substitution। इतना clear? Third जो आपको type cover करना है, अगर आपके पास equation जो है वो इस particular form में given हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू डी वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू बी। देखिए, यहां जो एक्स का कोफिशियंट है वो यहां वाई का कोफिशियंट है सेकेंड इक्वेशन में, और जो फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट है बी वो सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट हो, ठीक है, और ए और बी इक्वल नहीं हो तो वैसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एक और जो मेथड आपको सीखना है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 3.4, तो उसमें इसकी बातें करेंगे। तो देखिए, अभी इन तीन को सीखते हैं इस एक्सरसाइज में। देखिए, यहाँ पे है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कोई मेथड पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है, तो हम किसी भी मेथड का यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बट अगर एग्जाम में अगर ऐसा आता है कि एक पर्टिकुलर मेथड डिफाइंड है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशियंट। तो इस इक्वेशंस को आपको सबसे पहले इस फॉर्म में लिख देना है, जो भी कांस्टेंट पार्ट है राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। ये राइट साइड में गया तो प्लस 20 बन गया। नाउ ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन नंबर टू। इक्वेटिंग द कोफिशियंट कहने का मतलब या तो हम एक्स के कोफिशियंट को इक्वेट कर दें या तो वाई के, ठीक है। तो यहां पे अगर हम एक्स के कोफिशियंट को इक्वेट करते हैं तो यहां 11 और 7 का एलसीएम क्या होता है 77। तो यहां 77 बनाने के लिए इस इक्वेशंस को 7 से इंटू करना पड़ेगा, और यहां 77 बनाने के लिए इस इक्वेशंस को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 एंड 2 बाय 11 वी गेट क्या मिल जाएगा। 7 से इंटू कीजिए 77x 15 × 7 105, और ये बन जाएगा माइनस 7 × 3 21 2 14 × 2 16 161 आ गया। यहाँ 11 से इंटू कीजिए तो ये बन जाएगा 77x, ये बन जाएगा माइनस 22y, और ये बन जाएगा आपका 220। नाउ अब यहाँ पे कोफिशियंट हमने इक्वेट कर दिया, अब इन दोनों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहां प्लस था माइनस, माइनस तो प्लस, यहां प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। नाउ 77x माइनस 77x कैंसिल, 105 प्लस 22 127y, और ये आ गया 1 6 प्लस 2 8 381। तो y आ जाएगा माइनस 381 अपॉन 127, ये कैंसिल 3 टाइम्स में, ये आ गया माइनस 3। तो y मिल गया हमें माइनस 3। अब इस वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आइदर 1 या 2। अगर हम 1 में रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 11x प्लस 15y, तो 15 × माइनस 3, y के प्लेस पे माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 23। 11x इक्वल टू माइनस 23 प्लस 45,
11x, ये आ गया आपका 22, x की वैल्यू आ गई 22/11 यानी कि 2, तो x मिल गया 2, y मिल गया -3। क्लियर? देखिए ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिख देना या सब्स्टिट्यूट कर देना। तो वी एक्सप्रेस वन ऑफ द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को एक्सप्रेस कराना किसी अनदर वेरिएबल में या सब्स्टिट्यूट कराना, यही हमारा कहलाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहां पे हमारे पास दो इक्वेशन है, लेट्स से इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। यहां पे हम वाई का एक रिलेशन इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू y को लिखा जा सकता है, ये राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, 2x+3। ये जो रिलेशन है y इक्वल्स टू 2x+3, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर वन, अगर नहीं इक्वेशन नंबर वन में ही रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप सेकेंड से एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, देन यू हैव टू पुट इट इन इक्वेशन नंबर वन। अगर सेकेंड से निकाल रहे हैं, सेकेंड ही में रख देंगे, यू विल गेट जीरो। ठीक है, तो सेकेंड से हमने रिलेशन निकाला, वी हैव टू पुट इन इक्वेशन वन। अगर आप फर्स्ट से एक रिलेशन फाइंड आउट करते हो, देन यू हैव टू पुट दैट रिलेशन इन इक्वेशन नंबर टू, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3x-7, वाई के प्लेस पे आ गया 2x+3+10 इक्वल टू जीरो। 3x-14x-21+10 इक्वल टू जीरो। 3x-14x-11x-21+10-11 राइट साइड में गया, तो +11, 11 11 कैंसिल, माइनस इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, x आ गया -1। अब ये जो x आया है, अब आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, y आ जाएगा। तो देखिए अगर हम पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन वन, अगर हम फर्स्ट में रखे, सेकेंड में भी आप यहां रख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में रखे तो क्या बनेगा, 3x है तो यहां आ गया -1, -7 y +10 इक्वल्स टू जीरो। इतना क्लियर? -3-7 y +10 इक्वल टू जीरो। -3+10 7 राइट साइड में जाएगा, तो -7 कैंसिल, y इक्वल्स टू आ गया 1। तो x आ गया यहाँ पे -1, y आ गया 1। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 0.4x+0.3y इज इक्वल टू 1.7। इसको हम लिख सकते हैं 4/10 x+3/10 y इक्वल टू 17/10। इसको लिख सकते हैं 7/10 x-2/10 y इक्वल टू 8/10। अब इन दोनों ही इक्वेशन में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे से 10 10 10 10 अलग हो जाएगा हर एक टर्म से। तो देखिए मल्टीप्लाई, इसको मान लीजिए इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन वन एंड टू बाय 10। तो 10 10 अलग, तो 4x+3y इक्वल टू 17, यहां मिल गया 7x-2y इक्वल टू 8। अब यहां पे इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पे अगर हम यूज करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशियंट, तो हमें या तो x के कोफिशियंट को इक्वेट कर सकते हैं या तो y के कोफिशियंट को इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 4 और 7 का एलसीएम क्या बन जाएगा, 28। तो 28 यहाँ लाने के लिए इसको 7 से इंटू करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/7 एंड 4/4, ये मिल गया 28x
प्लस 3 इंटू 7 21 y, प्लस 17 इंटू 7 119, यहाँ आ गया 28x, माइनस 8y 32। नाउ ये माइनस ये प्लस, ये माइनस बन गया, ये कैंसिल, 21 प्लस 8 29y, 9 माइनस 2 7, 11 माइनस 3 8, ये जीरो बन गया, तो 29y इक्वल टू 87, y आ गया 87/29, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, y इक्वल्स टू आ गया 3। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख दे, आइदर थर्ड या फोर्थ, तो हमारा x आ जाएगा। तो अगर हम इसको थर्ड में रखें तो क्या मिल जाएगा, देखे 4x प्लस 3y है, y के प्लेस पे 3, तो 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 17, 4x इक्वल टू 17 माइनस 9, ये आ गया 8, 4x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/4, x आ गया 2, y आ गया 3, ये आंसर मिल गया, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है, x/2 + y इज इक्वल टू 0.8, 7/x + y/2 इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन दोनों ही इक्वेशंस को ax + by इक्वल टू c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ 2 LCM ले ले, तो यहाँ आ गया x + 2y, 0.8 को लिखा जा सकता है 8/10, 2 5 या 10, 5 इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 5x + 10y इज इक्वल टू 8, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इस फॉर्म में लिखिए, तो देखिए यहां एलसीएम नीचे बन जाएगा 2, 2x + y इज इक्वल टू 10, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 14/2x + y इक्वल टू 10, इस पार्ट को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 10 इंटू 2 20x + 10y ये आ गया इक्वल टू 14। तो ये मिल गया 20x + 10y इक्वल्स टू 14, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ y देखिए ऑलरेडी इक्वल है, तो बिना कुछ मल्टीप्लाई किए दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया, 5 - 20 - 15, 8 - 14 - 6, माइनस माइनस कैंसिल, x आ गया 6/15, 0.60 हो गया, ये 15 4 या 60, तो 0.4 आ गया। नाउ अब ये x इक्वल टू 0.4 अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, 5 × x के प्लेस पे 0.4 + 10y इक्वल टू 8, 5 × 0.4 2 इधर चला जाएगा, तो 8 - 2 6, ये 10y, y इक्वल्स टू 6/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.6, तो x आ गया 0.4, y आ गया 0.6, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है, 7 × y + 3 - 2 × x + 2 इज इक्वल्स टू 14, 4 × y - 2 + 3 × x - 3 इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमें रिड्यूस करना है ax + by इक्वल्स टू c के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, सिंपली ब्रैकेट खोल दीजिए दोनों इक्वेशंस का, तो ये बन जाएगा 7y + 21 - 2x - 4 इक्वल टू 14, -2x + 7y 21 - 4 17, राइट साइड में गया तो -17 14 - 17 - 3, अब माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तो ये बन गया 2x - 7y इक्वल टू 3, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन जाएगा, 4y - 8 + 3x - 9 इक्वल टू 2, तो 3x + 4y - 8 - 9 - 17, राइट साइड में गया तो +17 + 2 19, तो ये आ गया 3x + 4y इक्वल टू 19,
लेट्स से इक्वेशन नंबर टू। नाउ यहां पे है टू, यहां पे है थ्री, टू और थ्री का एलसीएम सिक्स, तो सिक्स बनाने के लिए यहां पे थ्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टू में टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री एंड टू बाय टू, क्या मिल जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी वन वाई नाइन, टू से इंटू कर दीजिए तो सिक्स एक्स प्लस एट वाई थर्टी एट, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस ट्वेंटी वन माइनस एट वाई माइनस ट्वेंटी नाइन वाई, नाइन माइनस थर्टी एट माइनस ट्वेंटी नाइन, माइनस माइनस कैंसिल, ट्वेंटी नाइन कैंसिल, वाई आ गया हमारे पास वन। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, पुट वाई इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन नंबर वन, ये मिल गया टू एक्स माइनस सेवन इंटू वन इक्वल टू थ्री, टू एक्स इक्वल टू ये माइनस सेवन राइट साइड में गया तो प्लस सेवन, थ्री प्लस सेवन टेन, एक्स इक्वल टू टेन अपॉन टू, एक्स आ गया फाइव, वाई आ गया वन, ये आंसर बन गया, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स अपॉन सेवन प्लस वाई अपॉन थ्री इक्वल टू दिया हुआ है फाइव, एक्स अपॉन टू माइनस वाई अपॉन नाइन इक्वल टू दिया हुआ है सिक्स, इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले रिड्यूस कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए सेवन और थ्री का ट्वेंटी वन, यहाँ बन गया थ्री एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू फाइव, थ्री एक्स प्लस सेवन वाई ट्वेंटी वन इंटू फाइव हंड्रेड फाइव, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। यहाँ टू और नाइन का एलसीएम एटीन, यहाँ आ जाएगा नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगा नाइन एक्स माइनस टू वाई एटीन इंटू सिक्स, ये आ जाएगा हंड्रेड एट, लेट्स से इक्वेशन नंबर टू। अब यहां अगर हम एक्स के कोफिशियंट को इक्वल करना है तो यहां थ्री है यहां नाइन है, थ्री और नाइन का एलसीएम नाइन, तो नाइन यहां लाने के लिए इस इक्वेशन को थ्री से इंटू कीजिए, यहां नाइन ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई बाय वन, ये बन जाएगा थ्री इंटू थ्री नाइन एक्स, सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन वाई, हंड्रेड फाइव इंटू थ्री थ्री हंड्रेड फिफ्टीन, यहाँ ये एज इट इज आ जाएगा पूरा इक्वेशन। नाउ ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये बन गया प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड फिफ्टीन माइनस हंड्रेड एट, ये हो जाएगा आपका टू हंड्रेड सेवन। नाउ वाई आ गया आपका टू हंड्रेड सेवन अपॉन ट्वेंटी थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा नाइन टाइम्स में, तो वाई की वैल्यू आ गई नाइन। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो एक्स आ जाएगा, तो मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर वन में रखें, तो देखिए ये हो गया थ्री एक्स प्लस सेवन इंटू नाइन, वाई की प्लेस पे नाइन रखेंगे तो सिक्सटी थ्री हंड्रेड फाइव, थ्री एक्स इक्वल टू हंड्रेड फाइव माइनस सिक्सटी थ्री, थ्री एक्स आ गया आपका फाइव माइनस थ्री टू, टेन माइनस सिक्स फोर फोर्टी टू, एक्स आ गया फोर्टी टू अपॉन थ्री, ये कैंसिल फोर्टीन टाइम में, तो एक्स आ गया फोर्टीन वाई आ गया नाइन, ये आंसर बन जाएगा। नाउ सेम यहां पे इन चारों क्वेश्चंस को इस फॉर्म में रिड्यूस कीजिए और इक्वेटिंग द कोफिशियंट का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, ये इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन, रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल्स टू जीरो, तो देखिए रूट टू और रूट थ्री का एलसीएम रूट सिक्स, रूट सिक्स लाने के लिए इसको रूट थ्री से इंटू कीजिए और इसको रूट टू से इंटू कीजिए, इतना क्लियर। तो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा रूट सिक्स एक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री वाई इक्वल टू जीरो, रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स
एक्स रूट टू इंटू रूट एट रूट सिक्सटीन, इसको हम लिख सकते हैं फोर माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस थ्री वाई प्लस फोर वाई, वाई जीरो माइनस जीरो जीरो, वाई की वैल्यू आ गई जीरो। अब इसको अगर हम किसी भी इक्वेशन आइदर वन या टू किसी में रखे तो एक्स आ जाएगा, तो रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, ये पूरा जीरो बन गया, तो रूट टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स भी आ गया जीरो, वाई भी आ गया जीरो। क्लियर? देखिए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्टीन। टू एक्स माइनस थ्री अपॉन वाई इक्वल्स टू नाइन दिया हुआ है, थ्री एक्स प्लस सेवन अपॉन वाई इक्वल्स टू टू दिया हुआ है, तो इसको हम रिड्यूस कैसे करें? देखिए अगर हम यहाँ पे वन अपॉन वाई की जगह यू रख दें तो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा टू एक्स माइनस थ्री और वन अपॉन वाई के प्लेस पे आ जाएगा यू इक्वल टू नाइन, थ्री एक्स प्लस सेवन वन अपॉन वाई के प्लेस पे आ गया यू इक्वल टू टू, तो ये दोनों ही इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में रिड्यूस्ड हो गया। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, टू और थ्री का एलसीएम सिक्स, यहाँ थ्री से इंटू होगा यहाँ टू से, तो ये बन जाएगा सिक्स एक्स माइनस नाइन यू इक्वल टू ट्वेंटी सेवन, यहाँ आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन यू इक्वल टू फोर, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस नाइन माइनस फोर्टीन माइनस ट्वेंटी थ्री यू, ट्वेंटी सेवन माइनस फोर ट्वेंटी थ्री यू आ गया यहाँ पे माइनस वन। अब इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा टू एक्स माइनस थ्री यू के प्लेस पे माइनस वन इक्वल टू नाइन, टू एक्स प्लस थ्री है इस साइड गया तो माइनस थ्री, नाइन माइनस थ्री ये आ गया सिक्स, एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स अपॉन टू यानी कि थ्री। अब हमें एक्स और वाई निकालना था, यू आया है माइनस वन, तो देखिए सिंस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू यू है तो वन अपॉन वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस वन, तो वाई क्या हो जाएगा ये इधर ले आइए और माइनस वन को नीचे, तो वन अपॉन माइनस वन ये भी आ जाएगा माइनस वन, तो एक्स आ गया थ्री वाई आ गया माइनस वन। इतना क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फोर्टीन ये इसके आंसर्स दिए हुए। देखिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन नाइनटीन, सेम पैटर्न पे है। तो इस टाइप के इक्वेशंस में हमें करने क्या हैं, वन अपॉन एक्स की जगह यू रख दीजिए, वन अपॉन वाई की जगह वी रख दीजिए। इतना क्लियर? यहां बन गया वन अपॉन सेवन यू, यहां बन गया वन अपॉन सिक्स वी इक्वल टू थ्री, यहां आ गया वन अपॉन टू यू माइनस वन अपॉन थ्री वी इक्वल टू फाइव, लेट्स से इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में, यहां बन जाएगा ए यू प्लस बी वी इक्वल टू सी। तो देखिए सेवन और सिक्स का एलसीएम फोर्टी टू, यहां आ गया सिक्स यू प्लस सेवन वी इक्वल टू थ्री, सिक्स यू प्लस सेवन वी फोर्टी टू इंटू थ्री वन ट्वेंटी सिक्स, लेट्स से इक्वेशन नंबर थ्री। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो टू और थ्री का एलसीएम सिक्स, यहाँ आ गया थ्री यू माइनस टू वी इक्वल टू फाइव, तो ये बन गया थ्री यू माइनस टू वी सिक्स इंटू फाइव थर्टी नौ। अब यहाँ पे अगर हम टू से इंटू कर दे तो यहाँ भी सिक्स आ जाएगा, तो थ्री इंटू टू यहाँ बन गया सिक्स, टू इंटू टू फोर, थर्टी इंटू टू ये बन जाएगा सिक्सटी। इतना क्लियर? नौ यहाँ माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल, सेवन प्लस फोर एलेवन वी ये आ गया सिक्स, ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स और ये जीरो बन गया, तो एलेवन वी इक्वल्स टू सिक्सटी सिक्स, बी आ गया यहाँ से सिक्सटी सिक्स अपॉन एलेवन सिक्स आ जाएगा। नाउ
अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दे तो 6u प्लस 7v है, तो v के प्लेस पे 6, तो 7 इंटू 6 42 इज इक्वल्स टू 126, 6u आ गया 126 माइनस 42, 6u बन गया 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 4 8, ये 0 बन गया, ये आ गया आपका 84 बाई 6 14। नाउ हमें निकालना है x और y है, तो 1 अपॉन x इक्वल टू u है, तो u के प्लेस पे लिख दीजिए 14, और 1 अपॉन y इक्वल टू v है, v के प्लेस पे लिख दीजिए 6, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 14, और यहां से y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 6, ये आंसर बन गया। सिमिलरली ये आपको करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई दिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का बन गया। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू टू, इसको लिखा जा सकता है एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू सिक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहां मिल गया 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू टू, यहां मिल गया 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू सिक्स। तो देखिए यहां पे यहां प्लस है और यहां माइनस है, 1 अपॉन x दोनों ही इक्वेशन में है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो किए क्या है ऐड 1 एंड 2, तो ये पार्ट कैंसिल, 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू क्या मिल गया 2 प्लस 6 8, यहां आ गया 2 अपॉन y इक्वल टू 8, y इधर शिफ्ट कर दीजिए 2, 8 नीचे आ गया तो 2 अपॉन 8, y मिल गया यहां से 1 अपॉन 4, इतना क्लियर। अब ये 1 अपॉन 4 अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दे तो y के प्लेस पे रखना है 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन y है, तो यहां आ गया 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, नाउ ये बन गया 4 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, तो 1 अपॉन x इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2, तो यहां से x मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, y आ गया 1 अपॉन 4, तो यहां पे हमें इस पूरे को 1 अपॉन y को या 1 अपॉन x को u लेने के और 1 अपॉन y को v लेने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसकी जरूरत है या नहीं है। तो देखिए यहां पे भी सिमिलरली 2 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इक्वल्स टू 1 है, तो 1 अपॉन एक्स की जगह यू रख दीजिए, 1 अपॉन वाई की जगह वी रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ये भी सिमिलर है, 1 अपॉन एक्स की जगह यू, 1 अपॉन वाई की जगह वी। यहां पे देखिए यहां पे राइट साइड में डिनोमिनेटर पार्ट में एक्स वाई है, तो क्या करना है देखिए, यहां बन जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स वाई है। अगर इस पूरे इक्वेशन को हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां हो जाएगा 2 एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स वाई अपॉन वाई इक्वल टू 9 एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, ये कैंसिल, यहां एक्स कैंसिल, यहां वाई कैंसिल, ये बन गया 3 एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 9, इतना क्लियर। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, यहां पे क्या बन जाएगा अगर हम एक्स वाई से इंटू कर देंगे तो x और x कैंसिल 4y, यहां 9x, तो 9x प्लस 4y इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल 21, इतना क्लियर। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, अब 3 और 9 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो यहां आ गया 9x प्लस 6y इक्वल टू 27, ये एज इट इज आ जाएगा। नाउ माइनस 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 ये कैंसिल, 6 माइनस 4 12,
2y, 27 माइनस 21 6, y की वैल्यू 6 अपॉन 2 3 आ गया। अब इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दे तो 3x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3x प्लस 6 इक्वल टू 9, 3x इक्वल्स टू ये 6 इधर गया तो माइनस 6 बन गया, 9 माइनस 6 3, x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 3 1, x 1 और y 3, ये आंसर आ गया। आई होप कि इतने क्वेश्चंस क्लियर हों, सिंपल थे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।